स्पाइडरमैन के साथ डांस हो रही है, देखो स्पाइडरमैन। ओह माय गॉड, रिलीजियस प्लेस में स्पाइडरमैन कहाँ से आया। दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड सीरीज़ के एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो फिलहाल मैं हूं अभी ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के जानकी झूला के पास में यहां का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी धीरे धीरे इवनिंग हो रही है, लोग गंगा घाट में नहा रहे हैं, खा पी रहे हैं, और ये वही जगह है जहां पर हमने कल राफ्टिंग ख़त्म की थी उस जगह पर। तो आज प्लान था ऋषिकेश को एक्सप्लोर करूँगा, तो यहाँ पर मैं पहले जो झूला है यानी जानकी झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला, उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो फेमस गंगा आरती होती है इसी जगह पर होती है, और बहुत सारे घाट है लेकिन सब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फेमस जो आरती होती है इसी जगह पर होती है। चलते, अभी इवनिंग का टाइम है और अभी अच्छी लगेगी, अभी लाइटिंग भी हो जाती है तो काफ़ी खूबसूरत लगती है ऋषिकेश। ये लंगूर ना कुत्ते को दे रहा है खीरा, ना गाय माता को दे रहा है, शेयरिंग इज केयरिंग का नारा इसको नहीं पता है शायद। दे भाई दे दे, कितना खाएगा ये, लेकिन दो खीरा हो गया इसका। बंदर ने दिया नहीं भाई, तो हमने सोचा हमें खिला दे। जानकी झूला ये रहा, और राम झूला 900 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर। भाई साहब लक्ष्मण झूला तो काफ़ी दूर है। एक चीज़ अच्छी लगी कि इस झूले पर गाड़ियों की अलग जगह यानी बाइक की, और यहाँ पर पेडिस्ट्रियन लोगों की भी अलग जगह है। यहाँ पर लोग पैदल जा रहे हैं इस साइड से, और इधर से बाइक जा रही है। अरे भाई झूला कम झूला तो बोल सकते हैं, लेकिन केबल ब्रिज है काफ़ी बड़ी है। और ये रही गंगा नदी, और वो सब सारे ऋषिकेश के घाट हैं, वहाँ पे भी चलेंगे उस साइड में। और जो दूर में अगर आपको दिख रहा होगा वो है राम झूला, वहाँ पर चलते हैं। भाई यहाँ जानकी झूला पे कितनी सुंदर वॉल पेंटिंग है हमारे बजरंग बली और राम भगवान और सीता माँ की, कितनी अच्छी लग रही है क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल जानकी झूला तो मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूँ राम झूला के पास में। और ये स्ट्रीट देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, मॉल रोड टाइप की स्ट्रीट लग रही है, लेकिन है तो ऋषिकेश में ही, और काफ़ी सुंदर स्ट्रीट है भाई, काफ़ी चहल पहल है, और चारों तरफ मार्केट लगी हुई है। मैंने सुना है कि आगे में अच्छी खासी मार्केट है। यहाँ पर एक घाट में आया हूँ, देखो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का वहाँ पे एक स्टैचू अच्छा सा बना, और यहाँ पे यज्ञ चल रही है, और घाट पूरा फुल है, और मेरे को लग रहा है शायद कुछ देर में आरती भी होने वाली है। यहाँ पे भीड़ ऐसे ऑलमोस्ट ऋषिकेश हरिद्वार में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन एक सीज़न में ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत ही सुंदर स्टैचू यहाँ पर बजरंगबली जी की, और सीने में हमारे राम भगवान सीता माँ, तो कुछ ऐसा है घाट का नज़ारा। आगे ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ की सारी घाट ऑलमोस्ट काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरी होती है। इधर पर देखो कुछ ऐसा है घाट का नज़ारा, यहाँ पर काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरी, देखो रेड कारपेट भी लगाए हुए हैं, और माँ गंगा ऐसे बह रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है। सारे घाट ऑलमोस्ट साफ़ सुथरे रहते हैं, यहाँ पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है ऋषिकेश में, नीट एंड क्लीन रहती है घाट और स्ट्रीट। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ नोटिस किया कि काफ़ी साफ़ सफाई रहती है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी बातें हुई, और आरती के साथ बहुत सारे इशू से बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा भाई।
तो भाई अभी जो आरती हुई वो हुई यहाँ पे परामर्श निकेतन के पास में। काफी अच्छी आरती हुई, मुझे जहाँ तक लगा सबसे अच्छी आरती यहीं पर हो रही है। वैसे तो हर जगह आरती होती है। अब चलते हैं राम झूला की तरफ, राम झूला को भी देखते हैं। देखो आरती होने के बाद कुछ ऐसा माहौल हो गया, पूरे रास्ते में लोग ही लोग हो गए, जाने का रास्ता नहीं बचा भाई। यहाँ पे स्पाइडरमैन के साथ डांस हो रही है, देखो स्पाइडरमैन। ओह माय गॉड, रिलीजियस प्लेस में स्पाइडरमैन कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे रेड स्पाइडरमैन, वहाँ ब्लैक स्पाइडरमैन। अलग ही यहाँ पे चल रहा है भाई, अलग। तो फाइनली मैं आ गया यहाँ पर राम झूला के पास में, और लाइटिंग तो आधी जल रही आधी नहीं जल रही, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रही। चलते हैं अब राम झूला के पास में। चलो भाई आगे चलो। भाई साहब, भाई साहब ब्रिज पे हूँ और ब्रिज हिल रही है ना, तो थोड़ा डर लग रहा है। और कैसे भाई, कैसे बताऊँ, बहुत हिल रही है, यानी हल्की हल्की। अमरदीप, ब्रिज हिल रहा है ना? हिल तो रहा है। भाई कूद मत, ऐसे ही हिल रहा है और कूद रहा है। भगवान राम के नाम का ब्रिज है, वो इतना आसानी से कैसे? सही बात है, सही बात है।